तो दोस्तों लास्ट में हमने हार चुके हैं एक्चुअली में, और कुछ नहीं हुआ। इसके लिए 800 रुपए मांगे हैं, तो टारगेट कितना रखे हैं हम? 15,000 रुपए रखे हैं। अभी बज रहा है 9 और मैं थोड़ा लेट में उठा हूँ, और उठते ही जो है टारगेट आ चुका है ये 5,800। ये वीकली इंस्टॉलमेंट है और ये 3,500 जो है एनुअल रिन्यू है, और ये 3,000 रुपये मैं पेरेंट से उधार लिए थे वो देना पड़ेगा, तो 12,300 रुपये जो है मुझे इकट्ठा करना है। तो टारगेट कितना रखे हैं हम? 15,000 रुपये रखे हैं। तो ये देखते हैं कि क्या क्या है। ये कल हम उठा के लेके आए थे और इसमें नंबर था इसलिए हटा दिया। ये कल हम उठा के लेके आए थे और इसको हम 1500 मांगे हैं, डेड हैं, और इसे देखना पड़ेगा। और ये है एक मॉनिटर जो कि काफ़ी पुराना मॉडल है, इसके लिए 800 रुपये मांगे हैं। तो कौन सा बनता है देखते हैं। और ये एक डेस्कटॉप है जो कि हमने रिपेयर कर दिए हैं, और ये हार्ड ड्राइव जो है हमने पुराना दिए हैं उनको, अच्छा क्वालिटी का है, नया बोर्ड लिए उसने, तो इसमें तकरीबन 1500 के करीब हुआ है, बोर्ड का पैसा अलग छोड़ के, तो इसमें 1500 के करीब मतलब मिलेगा। ये हार्ड ड्राइव मेरा है तो इसके लिए ये पैसे मिला के 1500 मिलेगा। और उनका एक UPS भी है ये डब्बा, तो जैसे कि देख सकते ये वाला UPS पड़ा हुआ है, सिग्मा का बैटरी लगा हुआ है, सिग्मा, तो इसे भी ठीक करना पड़ेगा। इससे भी कम से कम 300-400 रुपये आ जाएगा, और कुछ कमाई हुआ था कल का, तो आगे जाके बताते हैं। तो ये जो लैपटॉप है इसमें पूरा ड्राई हो चुका है, गंदगी भर चुका है, आप देख सकते हैं। और गुड न्यूज़ ये है कि इसमें सॉर्टिंग वगैरह नहीं है, लेकिन ये भी एक बैड न्यूज़ ही कह सकते हैं आप, क्योंकि ऐसे केस जो है बहुत ख़तरनाक होते हैं जिसमें सॉर्ट वगैरह नहीं होते हैं। तो देखते हैं कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। तो सबसे पहले जो मैं ये सब IC वगैरह क्लीन कर लूँगा, और अगर चल जाएंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 1500 रुपये आ जाएगा इसमें। और अभी 9:08 हो चुका है, तो मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट देते रहूँगा, और आप लोग जरूर कमेंट्स में बताइएगा कि मैं टारगेट क्या पूरा कर पाऊँगा, और अगर नहीं कर पाऊँगा तो मोटा भाभी है यहाँ पे, ये इससे पैसा ले लूँगा। तो सबसे पहला जो काम था वो सक्सेस मिल चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और हमने यहाँ पे IO वगैरह जो है इसको क्लीन किए थे, और दो तीन आईसी को क्लीन किए हैं, और सक्सेसफुली ये बन चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और लोड भी यहाँ पे लिए हैं, तो हो गया हमारा 1500 रुपया। तो चलिए लिख देते हैं। तो दोस्तों अभी बहुत टेंशन में हूँ हम लोग, अभी एक SSD आया था जो कि हमने नहीं कर पाए, अभी चेक करा था सिस्टम में है और नहीं बना है ये। और एक लैपटॉप और है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये HP का, जो कि अभी तक नहीं बना, उसका BIOS करके देखना पड़ेगा। बहुत टेंशन हो रहा है क्योंकि पूरा नहीं हुआ पैसा, तो चलिए मैं दिखाता हूँ कितना हुआ है। और एक चीज़ नहीं हुआ जो कि UPS में दिखाया आपको, ये नहीं बना, पड़ा हुआ है अभी भी। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे को चाहिए 12,300 रुपया, और इसमें टारगेट हमने रखे थे 15,000, ताकि इकट्ठा हो जाए और फ्रेंड का पैसा भी हो जाए, और ये एनुअल रिन्यू का जो पैसा है ये भी आ जाए। तो फिर इसमें हमने कितना कमाई किए हैं, डेल का जो लैपटॉप था वो भी डिलीवर हो चुका है 1500 रुपया, मॉनिटर था 800 रुपये का, डेस्कटॉप भी डिलीवरी हो गया वो भी 1500 रुपये मिल चुका है, और ग्राफिक कार्ड रिपेयर किए हैं एक, और ये जो है आपका इसमें 900 रुपया, मतलब 100 रुपये में खरीदे थे और 1000 रुपये में बेचे, तो 900 रुपये प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद एक ओल्ड लैपटॉप सेल हुआ था उसमें प्रॉफिट हुआ 1200 रुपया, उसके बाद ओल्ड पेमेंट जो है उसमें रिपेयर का 2000 रुपया मिला है, तो टोटल मिला है 7900। और अभी जो है यहाँ पे घाटा कितना है 4400 रुपये का, तो ये हम अगर नहीं कर पाएंगे तो मोटा भाभी से लास्ट मोमेंट में मांग लेंगे। तो दोस्तों लास्ट में हमने हार चुके हैं एक्चुअली में, और कुछ नहीं हुआ, तो खुशी खुशी जीना ही जिंदगी है, और हमेशा टारगेट पूरा कभी नहीं होता है, कभी कभी हो भी जाता है, ठीक है, तो कभी कभी फेल होना भी जरूरी है लाइफ में। तो आखिर में यही चीज़ बताऊंगा कि हम लोगों का 4400 रुपये जो है नहीं उठा पाए, तो मोटा भाभी से अभी मांग लेंगे। और इधर देखिए हरा भरा पौधा, इसको देख के सुकून लेता हूँ, ऐसे बहुत खतरनाक हुआ है, आप देख सकते हैं कितना खतरनाक। तो गाइज टेंशन की कोई बात नहीं, लास्ट में
मोटा भाभी है, मतलब माई वाइफ, माई लविंग वाइफ, तो उसकी वजह से बच गया हूँ इस बार। और कभी कभी दोस्तों से ले लेता हूँ, क्योंकि मांगने से दे देता है लोग, और कभी कभी मांगना पड़ता है। एक दूसरे की मदद करने से ही जिंदगी चलता है, ऐसा अकेला नहीं चलता है कभी कभी। तो थैंक्स टू माय दोस्तों, क्योंकि जो लोग मुझे ख़राब टाइम पे हेल्प किए हैं उनके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे स्टूडेंट लोग भी मदद करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, तो उनको भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा। तो चलिए मैं मोटा भाभी से मिलाता हूँ, और वो देगा कि नहीं देगा पूछता हूँ। तो अभी वो हमेशा मेरे पीछे ही रहती हैं। पैसा देवे तो ना कि वो, तो देखिए वो हाँ बोल दिए हैं। और उनका काम होता है बहुत सारा, स्ट्रगलिंग लाइफ है हम लोगों का, और उनका डिलीवरी वगैरह करने का, उसके बाद रिपेयरिंग का भी, बेसिक रिपेयरिंग, यूपीएस वगैरह, मॉनिटर वगैरह। मॉनिटर तो एक्चुअली मैंने रिपेयर नहीं किए, मॉनिटर को रिपेयर किए हैं माय वाइफ, उसने किए हैं। तो और डिलीवरी भी हो चुका है सक्सेसफुली। सो गाइस, वीडियो कैसे लगा है, और इस टाइप का एपिसोड अगर आपको चाहिए तो आप जरूर कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि हमें पता लगेगा कि आप ये एपिसोड पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो अगर करेंगे तो जरूर बोलिए, तो हम लोग इस टाइप का एपिसोड बनाएंगे। हम लोग टारगेट पूरा करने के लिए जो जो करते हैं, हम इतना मेहनत करते हैं, सब कुछ दिखाएंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो जरूर बताइए। थैंक यू, धन्यवाद, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।